Hello everyone, welcome to APT Plus editorial analysis. So this video session is dedicated to the analysis from the Hindu as well as from the Indian Express, where we discuss the daily editorial of the day. So this is the initiative of APT Plus, and the entire initiative is powered by IS Gyan. And in this editorial session, we'll be also discussing some of the important questions that would be relevant for the examination. And other piece of information that APT Plus has started is mock test series. So aap mein se jo log prelims ke liye, prelims 2020 ke liye mock test series avail karna chahte hain, so this facility is available both online and offline. Total yahan pe 70 test aap milenge is mock test series mein, where 40 sectional tests hai, 12 current affairs, 5 previous year questions hai, aur 13 full length test hai. For more details, you can visit to the contact number mentioned below, or you can visit to the website also. एंड अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हमारे आंसर राइटिंग चैलेंज में, तो आप फ्री इनिशिएटिव है आईएएस ज्ञान के द्वारा, तो आप इसको इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप इसमें पार्टिसिपेट करें. और बाय 6 PM यू विल बी आल्सो गेटिंग द मॉडल आंसर. तो दिस इज अगेन अ वैल्यू एडिशन टू योर प्रिपरेशन विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग. और हमारा ऑफिशियल चैनल भी है एप्टी प्लस का, जहाँ पे टेलीग्राम के माध्यम से आप इंपॉर्टेंट PDFs दैट इज रेलेवेंट फॉर द एग्जामिनेशन, जैसे कंपाइलेशन अबाउट डेली न्यूज़ एनालिसिस हो गई, और फिर PIB है, कुरुक्षेत्र है, एवरी थिंग्स देर इज ना अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल. और भी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट इज रिलेवेंट फॉर द सिविल सर्विसेज एंड अदर स्टेट पीसेस दैट इज देर इन द APT Plus ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल. सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द ऑफिशियल चैनल. एंड स्टार्टिंग विद द टूडेज एडिटोरियल एनालिसिस, सो द फर्स्ट एडिटोरियल टॉक्स अबाउट हार्डली द ब्रिक एंड द मोर्टार ऑफ द रिवाइवल. सो दिस इज ऑन द कॉन्टेक्स्ट. सी, ये जो है, अगर इसको मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ, तो ये जनरल स्टडीज के पेपर 3 में इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, अभी रिसेंटली वॉट हैज हैपेंड, दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट ये कि द एंटायर इकोनॉमिक स्लो डाउन. अभी हुआ क्या रिसेंट में कि देर हैज़ नो देर इज़ लाइक नो जॉब कट बहुत जो सिचुएशन है दैट हैज़ नो टेकन अ बिग होल इन इंडिया. अभी रिसेंट के एग्जांपल की बात करूँ तो पार्ले जी, जो आप जानते होंगे, इट्स वेरी बिग वेरी ओल्ड कंपनी एज वेल, तो उन्होंने अनाउंस किया है कि उनको GST के वजह से, टैक्स बिकॉज ऑफ द टैक्स कंप्लायंस, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है. तो दे कुड कम डाउन समवेयर, फिगर तो उन्होंने कोट नहीं किया, बट जो एंटिसिपेटरी कोट है वो समवेयर लाइक ऑलमोस्ट 10,000 लोगों को निकाल सकते हैं अपने कंपनी से. और अभी रिसेंट में मारुति सुजुकी का भी आपने कल न्यूज़ आया था, वो पढ़ा होगा कि मारुति सुजुकी की जो मानेसर में प्लांट है गुड़गांव में, उनमें भी ऐसा रिपोर्ट था कि दे आर ऑल्सो कटिंग डाउन देयर एम्प्लॉयज़. तो कहीं ना कहीं अगर एक होलसम देखा जाए, तो इस कंटेक्सट में 2018-19 वाले फिनेंशियल ईयर में या 1920 के फिनेंशियल ईयर में समवेयर 35,000 लोग बेरोजगार हो सकते हैं भारत में, ऑलमोस्ट 35,000 लोग. तो यू कैन सी, यू नो, दे पीपल आर ऑलरेडी वर्किंग विद ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो वहाँ से लिख जाते तो उनकी लाइवलीहुड है, उनकी फैमिली है, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन देम. तो देन दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ कंसर्न. तो इस एडिटोरियल में इस 2-3 कंटेक्स्ट, इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट पे बात की गई है, तो डेफिनेटली आप इसको पढ़ें. और बात करें अगर कुछ ना सर्वे दिया गया FMG, जो FMG की, जो उसमें कहा गया कि जो 10% का जो ग्रो देखा गया क्वार्टरली, और जो नॉमिनल GDP की स्लो डाउन देखी जा रही है, ठीक है, तो दिस वुड बी द बिगेस्ट रिडक्शन. अगर बिस्किट कंपनीज़ की बात की जाए, या स्नैक्स कंपनीज़ की बात की जाए, या अदर जो टी मेकर्स हैं, तो इन सारे जो नो सेक्टर्स में हैं, इनमें काफ़ी गिरावट देखी जा रही है. और टॉकिंग अबाउट इसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट ऑफ जो डीमोनेटाइजेशन है, जो हमारा नो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसमें कि हाउ इट हैज़ इम्पैक्टेड द इनफॉर्मल सेक्टर, जो इनफॉर्मल सेक्टर को बहुत ज़्यादा आहत हुई है उस डिसीजन के, गवर्नमेंट के डिसीजन से. ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में 2-3 कंटेक्स्ट में बात की गई है. और थोड़ा सा इस एडिटोरियल में जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, बिकॉज नो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, हम टॉकिंग अबाउट इंडिया इंडिकेटर्स जो हमारी अपनी है, तो उसमें वी आर नॉट डूइंग वेरी वेल व्हेन इट्स कम टू ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, तो दैट इज़ ऑल्सो डिस्कस इन दिस एडिटोरियल. नॉट टॉकिंग अबाउट द सप्लाई साइड अप्रोच, तो वहाँ पर भी डिस्कशन है कि हाउ वी कैन इम्प्रूव द सप्लाई साइड. सी, अगर मैन्युफैक्चरिंग हमारा उस तरह का नहीं है, स्टिल मेक इन इंडिया होने के बावजूद भी वी हैव टू स्टिल मेक अ नो एम्पल नंबर ऑफ प्रोग्रेस. और थोड़ा सा यहाँ पे रूलर पे भी फोकस किया गया कि कैसे जो रूलर स्कीम्स है, या जो नो टॉकिंग अबाउट द नो द इनफ्लक्स ऑफ द मनी, और टॉकिंग अबाउट द लिक्विडिटी, जैसे हमारा जो RRB के थ्रूज, जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनके थ्रूज भी हम कुछ अमाउंट अगर इन्फ्यूज़ कर सके, लिक्विडिटी ला सके मार्केट में, तो वहाँ पे भी हो जाएगा. जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, गवर्नमेंट ने अभी काफ़ी स्कीम की है, स्टार्टअप स्कीम्स हैं या कुछ तरह की स्कीम्स हैं, जहाँ पे उनको एक तरह से रोज़गार नो देने का एक उपाय किया गया. तो इस तरह की चीज़ों को भी डिस्कस किए. बट द अगेन द फिजिबिलिटी ऑफ दिस
is again in question. So this is by Jayanti Ghosh. She is a professor of economics at Jawaharlal Nehru University. Okay. So I find this to be relevant because it's में दो तीन चीजों को इकट्ठे ही समझाया गया है. तो आप इसको एक बार देख सकते हो और jot down कर लेना जो important point that is relevant for the examination. Okay. Now the second editorial which is there in the Hindu talks about the Kashmir information vacuum. So this is on the background of the abrogation of Article 370 and 35A because government has revoked both of the article and has it has diminished the special status of Jammu and Kashmir. So iske bare mein baat ki gayi hai ki और नो थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर है इसमें. तो अगेन द आई फाइंड बहुत सारा रिपीटेशन ऑफ कंटेंट है कुछ हाउ ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट इज एंड द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट दैट डेमोक्रेटिक. तो ये मैं पिछले काफ़ी दिनों से इस तरह के आर्टिकल को आपको बता रहा हूँ. कुछ वेणुगोपाल सुप्रीम कोर्ट की इशूज़ भी यहाँ पर डिस्कस की गई है. तो आप एक बार देख लेना, यू कैन रीड इट आउट, बट नॉट मच रेलिवेंट कंटेंट. ठीक है, फाइन. दिस कैन बी रीड. एन अदर इम्पॉर्टेंट इज थोड़ा सा यहाँ पे एक सेक्शन जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो MBS बैकिंग वाली सेक्शन है जहाँ पे आपको टेम्पररी सस्पेंशन एंड टेलीकॉम सर्विसेज का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है. तो यू कैन रीड दिस. ठीक है, और नाउ अदर एडिटोरियल विच इज देयर इन द हिंदू टॉक्स अबाउट द डेमोक्रेसी एंड इट्स टेस्ट कंटेंट्स. सो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर वन. ठीक है, जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए, और अगर पेपर टू में बात करूँ तो जो डेमोक्रेसी एज अ लाइफ, तो वहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो इट टॉक्स अबाउट कि हाउ द सिविलाइजेशन हैज़ इवॉल्व ओवर द टाइम. इन दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल वहाँ पे हमें एक कंपैरिजन मिलती है जैसे UK, फ्रांस, USA, जो अदर कंट्रीज है वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक जो इलेक्शन प्रोसेस है दैट इज़ इवॉल्विंग ओवर द टाइम. बट इंडिया में देयर इज अ एम्पल नंबर ऑफ स्कोप, देयर इज अ ह्यूज स्कोप ऑफ इलेक्ट्रॉल रिफॉर्म. ठीक है, ये बात काफ़ी पहले से चल रही है. बहुत सारे कमीशन्स ने, बहुत सारे कमिटियों ने रिकमेंड किया था कि इलेक्ट्रॉल रिफॉर्म इज अ नीड ऑफ आर फॉर इंडिया. ठीक है, और इट हैज़ ऑल्सो डिस्कस द डेमोक्रेसी इन इंडिया, लोकतंत्र का क्या अभी स्टेटस है, क्या पृष्ठभूमि है, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात की गई है. ठीक है, तो यू कैन डेफिनेटली रेफर दिस. और थोड़ा सा इसमें थ्री लेयर ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की गई है. तो यू कैन को रिलेटेड थोड़ा सा ये इंटरनेशनल रिलेशन से कंसर्न करके अगर आप एग्जांपल में यूज़ करते हो इस एडिटोरियल को, कहीं मीन्स में अगर आपने कुछ क्वेश्चन आए कंपेरेटिव, जैसे एक हमारा सेक्शन है पेपर टू में कंपेरेटिव एनालिसिस में, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल के एनालिसिस है. तो UPSC व्हाट दे टेंड टू स्विच द क्वेश्चन, पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी वो पूछ सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे दिस एग्जाम्पल कैन बी यूज. और दिस इज़ बाय अरुण मेहरा, ही इज़ अ मेंबर, ही वॉज अ मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन. तो थोड़े गुड इन्फॉर्मेशन जो डेटाज हैं दैट इज important. Now the other important article which is there in the Hindu itself, so it talks about the Tamil Nadu making power while the Shun sign. तो यहाँ पे बात की गई है कि कैसे स्टेट ने एक फेयर टेरिफ सेटिंग प्रोसेस रखा है, और इसमें कोशिश ये गई है कि किस तरह से और फेयर प्रोसेस हो ताकि जो सोलर एनर्जी का द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द सोलर सेक्टर, सोलर एनर्जी पॉलिसीज जो है वो और अच्छे से एग्जीक्यूट की जाए. तो तमिलनाडु का एज एन एग्जाम्पल है. तो अगर आप किसी अगर पेपर थ्री में, जैसे पेपर थ्री में जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की बात की गई है, या अगेन कुछ आप ऐसे लिख रहे हो या केस स्टडीज में भी कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, तो वहाँ पे इट कैन बी यूज्ड. ठीक है, तो दिस हैज़ अगेन टॉक अबाउट हाउ द नेट मीटरिंग, ठीक है, नेट मैटरिंग कैन बी यूज एंड हाउ द सरप्लस ऑफ द कंज्यूमर ग्रिड. तो बात की गई है जो हम यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रिकल यूनिट्स में यूज करते हैं. तो कंज्यूमर हैव टू पे द नेट इम्पोर्ट एनर्जी. ठीक है, और द टेरिफ शुड बी टेरिफ नीड टू बी रेगुलेटेड. तो तमिलनाडु ने इसी कंसर्न में अभी एक नेशनल सोलर एनर्जी पॉलिसी 2019 लाया फरवरी में ही. तो दे हैड रिप्लेस्ड विद अ नेट मीटरिंग, तो नेट फीड मैकेनिज्म के थ्रू वो चीज़ें काम कर रही है. ठीक है, तो डेफिनेटली इट टॉक्स अबाउट कि हाउ थिंग्स कैन बी इम्प्रूव्ड, जहाँ पे हमारे पास जो ऑलमोस्ट जो टारगेट है, जो कैपेसिटी टारगेट है वो 3000 मेगावाट्स की है बाय 2015 का, और दैट हैज़ नियरली इंक्रीज फोर टाइम. फोर ईयर लेटर भी अगर हम देखें तो हमने सिर्फ 80% टारगेट को अचीव किया है. ठीक है, तो दिस वुड बी अगेन इंपॉर्टेंट बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो पुटिंग देयर ऑल हार्ड एफर्ट्स टू मेक सोलर एनर्जी अ मोर कंपेटेबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी इन द कमिंग फ्यूचर्स. So this was there for the Hindu. Now the second and the last editorial talks about the public health versus the free speech. ठीक है, ये
एक छोटी सी एडिटोरियल आर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है. इसमें बताया है कि हाउ द टबाको कंपनीज वेर ट्राइंग टू द बेस्ट प्रिवेंट द पिक्टोरियल वार्निंग इन द सिगरेट इन द यूएस. ठीक है, यूएस में कैसे जो सिगरेट बनाने वाली कंपनीज है जो टबाको बनाती है वह पिक्टोरियल जो पिक्चर्स देते हैं, बिकॉज देर आर सम गाइडलाइन कि आप इतनी प्रपोर्शन, जैसे मान लो कि 100% पिक्चर है तो उसमें आपको 70% या 80% पिक्चर ऐसा रखना है कि दैट पोर्ट्रेट की इट इज़ हार्मफुल, नो कंज्यूमिंग दैट पर्टिकुलर टबैको प्रोडक्ट इज हार्मफुल टू योर हेल्थ. तो इससे कंपनियां बच रही हैं, वो अपने उन पिक्टोरियल को काफ़ी उन्होंने कम कर दिया उनका रेशियो. तो दिस टॉक्स अबाउट दिस, द यूएस कांग्रेस हैज फाइनली नो टेकन द एक्शन. और यहाँ पे थोड़ा सा इंडिया के कंसर्न में भी हम बात कर सकते हैं कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्रेमवर्क है, जो एक कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल है, वो 2005 में ही आ चुका था. ठीक है, तो डेफिनेटली एवरी कंट्री नीड टू टेक एक्शन. और जहाँ तक इंडिया की बात की जाए तो हमें भी वैसे देखना है, क्योंकि वी हैव नो द डेथ विच इज राइजिंग. इसमें थोड़ा सा एक डेटाज भी दिया गया कि कैसे कैनेडा में 20% रिडक्शन हुई है, और बात करें और भी अदर स्टेट की तो देर आर सम डेटाज दैट कैन बी रिलेवेंट फॉर यू. बट अगेन एट द सेम टाइम द डेथ कमेंसेंट बाय द यूज ऑफ टोबैको एंड अदर हार्मफुल प्रोडक्ट इज डेफिनेटली यू नो इम्पैक्टिंग द इंडियन यूथ एज वेल एंड इंडियन पॉपुलेशन एज वेल. तो लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम दिस एज वेल. सो दिस वॉज अ ग्लिम्स फ्रॉम द editorial of the Hindu. Now we'll be looking at some of the important editorial from the Indian Express. So यहाँ पे थोड़ी जो first editorial है वो कल के repetition type की है, जैसे यहाँ में मैंने आपको जो नो दिस नॉट द फर्स्ट, the first one is a different one. I'm talking about this second one. So यहाँ पे ADM जबलपुर वाला जो केस था उसको मैंने कल भी थोड़ा सा आपको बताया. तो ADM जबलपुर वर्सेज सुप्रीम कोर्ट की जो केस थी उसमें ये बताया गया था कि जो right of habeas corpus है, ठीक है, उसके बारे में discussion है. तो बेसिकली आप जानते होंगे दिस कैन बी अगेन यूज, जो ADM जबलपुर वाला केस था वो एक हीबियस कॉर्पस का केस है जहाँ पे कंट्रोवर्सीज डिसीजन आई थी सुप्रीम कोर्ट की कि डिक्लेयर दैट द इमरजेंसी प्रोविजन नो वन कैन सीक द असिस्टेंस फ्रॉम कोर्ट इन इंडिया. ठीक है, एंड दे कैन नॉट इवन ट्राई टू सेव द लिबर्टी. ठीक है, थ्रेटन बाय द एनी टेक अवे. इसी चीज़ में, इसी कंसर्न में थोड़ा सा द स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राज नारायण केस जो वर्डिक्ट, जो अलाहाबाद हाईकोर्ट की वर्डिक्ट है उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन है. जैसे इंदिरा गांधी को गिल्टी ऑफ इलेक्शन मैल प्रैक्टिसेस के बारे में जब उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर किया था तो उस चीज़ के बारे में भी और चीज़ें हैं. इनवैलिडेटिंग हर इलेक्शन को कर दिया गया था फॉर 6 ईयर फ्रॉम कंटेस्टिंग ऑफ द इलेक्शन. तो ये सारी चीज़ें हैं. तो डार्केस्ट आवर के टाइटल से ये है, तो आप इसको पढ़ सकते हो. हाँ, डेफिनेटली कहीं एग्जाम्पल के तौर पे कहीं ऐसे में इस चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो. और अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 और 3 में कंट्रीब्यूट करेगा. फाइन, नाउ द एडिटोरियल टॉक्स अबाउट इन अ म्यूचुअल इंटरेस्ट. सी, ये एडिटोरियल बेसिकली बात कर रहे हैं कि कैसे RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या जो सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री हैव टू बी एन अ को एग्जिस्टेंस विद द गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके साथ किस तरह से इट चलते. बिकॉज रिसेंट टाइम में अभी ठीक है, जब से शांतिकांत दास हमारे गवर्नर हैं तब से चीज़ें ठीक चल रही है. बट अगेन द इन्फ्लेशन रेट जो भारत का है वो अभी भी अगेन इज द क्वेश्चन. जहाँ तक बात करें ग्रोथ रेट की तो अगेन जो वहाँ पे ट्रैजेक्टरी जो है इट्स नॉट दैट इम्प्रूविंग. ठीक है, तो दिस टॉक्स अबाउट कि हाउ देर नीड टू बी अ बायलैटरल एग्रीमेंट, ठीक है, बिटवीन बोथ ऑफ देम, बीट द RBI एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो कुछ एग्जाम्पल्स भी दी गई है इसमें. जैसे अगर मैं बात करूँ तो बैंक ऑफ इंग्लैंड एक नो वहाँ के जो गवर्नर है उनका एग्जाम्पल है. और थोड़ा सा अगर US फेड की एग्जाम्पल की बात की जाए तो कैसे नो इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से देयर शुड बी एंड नो को एग्जिस्टेंस बिटवीन द RBI एंड द गवर्नमेंट. तो ये थोड़ा सा एक ग्लोबल है, तो डेफिनेटली यू कैन रीड दिस. और आप इसमें कंसर्न करना कि इंडिया वाले पार्ट में, ठीक है, दिस अगेन वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 3. Now coming back to the other article which is there in the Hindu, talks about the consensus builder. So this talks about the recent demise of Arun Jaitley, who was a finance minister of the India previously. And this is by Sushil Kumar Modi. He talks about ki how Arun Jaitley has brought the state into the veracity, different views on the GST and to ensure the country's economic integration. Talking about the cooperative federalism of the country. So GST in ke time aayi thi, to it has also only discussed ki how the things has been executed well. So yahan pe aap padh sakte ho. Again, it's a praise for the government, a praise for the minister as well. So प्रो थोड़ा सा आपको यहाँ पे व्यूज मिलेंगे. ठीक है, नाउ द अदर आर्टिकल विच इज देयर इज लाइक रिफॉर्मिंग द लॉ कमीशन. सो आई फाइंड दिस आर्टिकल टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द डे. सो आई विल बी गेटिंग इनटू द इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ दिस आर्टिकल एंड नॉट टेक मच टाइम हियर. सो वी विल सी इनटू द अदर ट्रिवियल डिटेल ऑफ दिस एडिटोरियल. सो नाउ द सेकेंड
the last edit which talks about the poised for the leap. So this is by the fundamental of the economic growth and sound. So growth in the horizon, talking about the $5 trillion economy, then the policies that need to be taken off, talking about the growth rate of the India, talking about the economic slowdown. So how the leap can be fulfilled. So yahan pe again thoda kuch important hai, aap isko padh sakte ho, or you can jot down some of the important point that would be relevant for the examination. Now we'll be moving into the our in-depth analysis, that is reforming the law commission. So ये मिस्टर तारिक मोहम्मद ने लिखा है. ही इज़ एन फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एंड द मेंबर ऑफ द नेशनल लॉ कमीशन ऑफ इंडिया. तो उन्होंने इस चीज़ में डिस्कस किया है कि कैसे ऑल द थिंग्स आर नीडेड टू रिवाइव द लॉ कमीशन. ठीक है. सो द एंटायर एडिटोरियल कंसर्न अबाउट रिफॉर्मिंग द लॉ कमीशन. सो द फर्स्ट इज द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट अमंग द ऑल द नेशनल लेवल बॉडीज. ठीक है, जो अभी एग्जिस्ट करती है 65 ईयर ऑफ डेट में. थोड़ा सा मैं आपको ये बता दे रहा हूँ बिकॉज इट वुड बी नीडेड फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट. और अभी कैबिनेट ने बेसिकली अभी जो हमारे जो चल रही है लॉ कमीशन, वो 21st लॉ कमीशन चल रही है. ठीक है, और अभी तक 22nd लॉ कमीशन इनैक्ट नहीं हुई है. ठीक है, जो 22nd लॉ कमीशन है वो अभी तक इनैक्ट नहीं हुई है. तो गवर्नमेंट ने ऐसी बात कही है कि वी विल बी सून रिकन्स्टिट्यूट द लॉ कमीशन. ठीक है, और देर इज़ नो फर्दर पब्लिक इन्फॉर्मेशन कि अभी कब ये होगा, क्योंकि जो लास्ट लॉ कमीशन है वो एक ईयर एक साल पहले ख़त्म हो चुकी है. उनका जो टेनर था वो 31 अगस्त 2018 को ख़त्म हो चुका है. तो अगेन दिस इज़ अ सीरियस कॉज ऑफ कंसर्न, जो गवर्नमेंट बहुत एक्टिवली इसको नहीं देख रही है. तो इस पर एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मेन्स में दिस ईयर और कमिंग ईयर. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आप देख लो कि जो लॉ कमीशन इज डेफिनेटली एन एग्जीक्यूटिव बॉडी दैट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, दिस इज नीदर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर द स्टैट्यूटरी बॉडी. तो अगेन दिस पॉइंट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो कुछ मेजर फंक्शंस हैं टू वर्क फॉर द लीगल रिफॉर्म. इनका मेन काम है कि कैसे लीगल रिफॉर्म लाई जाए. और द मेंबर्स आर प्राइमरी जो मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं. और कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड टू ना वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड फॉर द फिक्स्ड टेन्योर एज दे वर्क फॉर द एडवाइजरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर काम करती है. ठीक है, फिक्स टेन्योर पे काम करती है. ठीक है, नाउ अगर मैं बात करूँ कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो ये भी आपको जानने की ज़रूरत है. अगर आप अगर ऐसे जैसे कुछ इस तरह के लिखते हो या फिर थोड़ा बताते हो कहाँ पर जहाँ पे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपसे पूछा जाता है, तो आपको ये जानना ज़रूरी हो जाता है. तो द फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा. और जो फर्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से इस के तहत इसको बनाया गया था. इनैक्टमेंट वॉज बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और ये इस्टैब्लिश हुई थी 1834 में. तो द फर्स्ट इट वॉज प्रिसाइडेड बाय लॉर्ड मैकुले. तो लॉर्ड मैकुले ने फर्स्ट लॉ कमीशन किया था. दिस अगेन कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. ठीक है, और द रिकमेंडेशन एंड बेसिकली रिकमेंडेड फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ इंडियन पिनल कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. ठीक है, इन दोनों चीज़ों के बारे में की बताया था इन्होंने, रिकमेंड किया था. एंड द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज एस्टैब्लिश इन 1955 फॉर 3 ईयर टर्म. ठीक है, तो दिस अगेन कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स. ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम के लिए ज़रूरत हो सकते हैं. और अगर मैं बात करूँ फंक्शंस ऑफ लॉ कमीशन की, तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं लॉ कमीशन के. तो लॉ कमीशन अंडरटेक रिसर्च एंड रिव्यू ऑफ इट्स एग्जिस्टेंट लॉ. ठीक है, एंड रिफॉर्म मेकिंग में है. इनका काम है कि रिसर्च इन लॉ और रिव्यू ऑफ द एग्जिस्टेंस लॉ को कहाँ पर कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं. इट ऑल्सो अंडरटेक स्टडीज एंड रिसर्च इन ब्रिंगिंग द रिफॉर्म. ठीक है, और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में. और इट्स ऑल्सो सजेस्ट द न्यू लेजिस्लेटिव दैट मे बी नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल और टू अटेन इट्स ऑब्जेक्टिव. इन सारे चीज़ों में इनकी सजेशंस आती हैं, इनकी कोई लेजिस्लेशन आती है. और कंसिडरिंग द इट ऑल्सो रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग द रिसर्च. जैसे जो फॉरेन कंट्रीज से अगर कोई लोग हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि उसके साथ असिस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, तो यहाँ पर भी हम असिस्टेंस देते हैं. ठीक है, एंड इट ऑल्सो प्रिपेयर एंड सबमिट द सेंट्रल गवर्नमेंट जो रिपोर्ट्स जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम देती है. तो इनका भी काम है, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स इन्होंने दिया हुआ है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिपोर्ट लॉ कमीशन के द्वारा दी गई है. तो पहले आप ये समझ लो, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो सेकेंड जो 21st लॉ कमीशन था दैट वॉज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर. तो आपको ये टेन्योर भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कितने टेन्योर के लिए होती है, वॉट इज द टेन्योर ऑफ नॉन लॉ कमीशन. सो इट इज 3 ईयर. ठीक है, और जो इनकी इनैक्टमेंट थी वो फ्रॉम 2015 टू अगस्त 2018 तक थी. तो दिस आपको ये जानना जरूरी है कि अभी
हमारा 21st लॉ कमीशन ही चल रहा था, जो कि अब इट हैज बीन कंप्लीटेड इट्स टेन्योर, नाउ 22nd इज अवेटिंग, जो 22nd लॉ कमीशन है इट्स स्टिल अवेटिंग. सो कंपोजिशन की बात करें, जो ये 21st लॉ कमीशन बनी थी, तो उसमें एक चेयरमैन होते हैं, 4 फुल टाइम मेंबर होते हैं इंक्लूड द मेंबर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर जो एक्स ऑफिशियो टू मेंबर भी होते हैं, और एक सेक्रेटरी होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव, ही इज अगेन एक्स ऑफिशियो मेंबर. तो ये आप थोड़ा सा आपके ओवरव्यू के लिए, एग्जाम में कभी पूछ सकते हैं बट इतने डिटेल में वो नहीं जाते हैं, तो आप एक फेयर आइडिया रखना कि कौन कौन लोग होते हैं. Now talking about the reports of the important commission, as I have told you कि इन्होंने काफ़ी important reports submit किए, तो अभी तक जो commission ने 227 reports submit कर दिए हैं various issues पे, बहुत सारे important issues पे. तो कुछ important जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, और आप ये जान लो कि the recommendation of the commission is not binding in the government. This is again the single most important point for the prelims examination. ठीक है, it's not binding. और जो जो कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है जिसको आप मेंस के एग्जामिनेशन में भी कोट कर सकते हो, तो जो रिपोर्ट नंबर 270 दैट टॉक्स अबाउट द कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, जो 270 है टॉक्स अबाउट द ह्यूमन डीएनए प्रोफाइलिंग, जो 272 है टॉक अबाउट द असेसमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क ऑफ द ट्राइब्यूनल्स इन इंडिया, 273 जो है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट कन्वेंशन एंड अगेंस्ट द टॉर्चर. ठीक है, तो ये है, आप देख लेना. इस मैं अभी जितनी चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ, यू कैन गेट द सेम इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें नोट्स के तौर पे वहाँ मिल जाएगी, तो जिनका कुछ छूट रहा हो तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो. और जो 274 है, तो दैट इज़ अगेन फॉर द रिव्यू ऑफ कंटेम्प ऑफ कोर्ट ऑफ एक्ट 1971, और 275 टॉक्स अबाउट द लीगल फ्रेमवर्क. ठीक है, जैसे BCCI द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 था, और जो 276 है वो लीगल फ्रेमवर्क जैसे गैम्बलिंग एंड स्पोर्ट्स बीटिंग इंक्लूडिंग द क्रिकेट इन इंडिया के बारे में रिपोर्ट थी, और जो 277 है वो है रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस एंड लीगल रेमेडीज. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, ये आप याद रखना एग्जाम्स में, जैसे जिस कंसर्न में है तो आप उस कंसर्न में कोट कर सकते हो कि एज पर एज द रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन दिस नंबर इट हैज़ ऑलरेडी गिवन अ रिपोर्ट, द सजेशन वॉज दिस एंड दैट. ठीक है, so this was from the that. Now talking about the important concern, so the concern is like the law commission of india has no fixed composition. Yahan pe composition fixed nahi hai, central government can here and there increase or decrease that, and there is no defined eligibility criteria. Agar baat kare eligibility criteria ki, jo chairman ki ho ya fir member ki ho, to koi defined criteria nahi hai. Talking dekho jahan tak baat ki jaye, ye sabse oldest commission hai, but again abhi isko us tarah ka darja nahi mila. Agar baat kare national commission ki, jaise jo scheduled caste hai ya jo scheduled tribe hai, they have again backed a constitutional status, they have into the constitutional status. To yahan pe उनको दे आर मोर पावरफुल, तो ज़रूरत है कि कैसे रिवैम करें, कैसे वी कैन रिवैम द लॉ कमीशन एंड वी कैन प्रोवाइड अ स्टैट्यूटरी और द कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग टू इट. ठीक है, सो दिस वाज़ द कंसर्न. नाउ व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? सो द वे फॉरवर्ड इज़ फर्स्ट टू कॉन्स्टिट्यूट द सेकेंड 22nd लॉ कमीशन एट द अर्लीस्ट, जितना जल्दी हो सकता है हमें लॉ कमीशन बनाना चाहिए. और गवर्नमेंट को ये भी डिसीजन लेना चाहिए कि जो ब्रिटिश लिगेसी चलती आ रही है उसको हम कैसे रिवाइव कर सकें अपने अपॉइंटमेंट ऑफ द लॉ कमीशन में, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं उनमें, और कैसे डोमेन एक्सपर्ट को भी लाया जा सकता है या और भी स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको भी एज अ एडवाइजरी के रोल में भी रख सकते हैं. नाउ गवर्नमेंट ऑल्सो नीड टू इंश्योर दैट देर इज़ नो चेंजेस इन द लॉ, द कंपोजिशन, द टेनोर एंड द फंक्शन एट द वर्क प्रोसीजर ऑफ द पैनल, इन सारे चीज़ों पे भी काम करने की जरूरत है. तो अब ये जो कीवर्ड्स है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, अगर आप तो ये कीवर्ड्स जरूर लिखना. ठीक है, सो दिस वाज ऑन द वे फॉरवर्ड. सो दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल फॉर द डे रिफॉर्मिंग द लॉ कमीशन. तो आप इसके जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज़ उसमें आप एड ऑन करते चलिए. ठीक है, नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे. सो आई विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. और कुछ में से आप लोगों ने कहा था कि सर कुछ स्टैटिक पोर्शन भी डिस्कस करेंगे क्या, तो सी आप मुझे बताओ कमेंट करके इस वीडियो में कि आप स्टैटिक भी चाहते हो, तो आई बी इंक्लूडिंग द स्टैटिक एज वेल. बट मेरी कोशिश रहती है कि जो डेली वाली है उससे ही हम पूछें. आज मैंने कहा स्टैटिक क्वेश्चन भी इंक्लूड किया है. सो जो FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स है इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको बताना है इनमें से कौन FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स देता है. तो फर्स्ट इज द एमनेस्टी इंटरनेशनल, सेकंड इज द ऑक्सफैम, सी थर्ड इज द AT करनी, एंड डी इज द US चैम्बर ऑफ कॉमर्स. सो इसका करेक्ट आंसर है सी. ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर.
Now talking about the second question. So the Montagu Chelmsford reform has constituted in India for the formation of government after India Act of 1919, and it has introduced which among the following. So जो Montagu Chelmsford reform थे उन्होंने क्या लाया, क्या introduce किया था India में. So first is diarchy, second is self governance, D is the formation of Reserve Bank of India, or education reform. You have to tell me जो Montagu Chelmsford reform जो result ही थी तो government of India 1919 में क्या था. तो the correct answer for this is diarchy. ठीक है, तो this is the correct answer for both of the question. So if you have any other concern, do let me know. I'll be more than happy to answer your query. For time being, I'm signing off. I'll meet you in the next interesting video. So for time being, keep your work hard, do your all the best, and thank you so much for listening.